हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिथौरागढ़ के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है और यह हिमालय पर्वतमाला का प्रवेश द्वार है। खूबसूरत सौर घाटी में बसे इस शहर के उत्तर में अल्मोड़ा है तो पूर्व में काली नदी से सटा पड़ोसी देश नेपाल है। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह हरे शंकुधारी वनों, साल, चीड़ और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। पिथौरागढ़ एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी काफी पॉपुलर है। पिथौरागढ़ जाने के सबसे अच्छे टाइम की अगर हम बात करें तो ज्यादातर टूरिस्ट यहां पर गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। वैसे यहां का वातावरण काफी शांत और सुखद है और अगर आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर सर्दियों में भी जा सकते हैं। यह पहाड़ी जिला हिमालय के सबसे पूर्वी दिशा में बसा है। अपनी खास भौगोलिक स्थिति और विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए यह टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। पिथौरागढ़ साइट सीइंग, हिमालय के पहाड़, बर्फीली चोटियां, दर्रे, घाटियां, घास के मैदान, घने जंगल, जलप्रपात, नदी, ग्लेशियर आदि सभी इस पहाड़ी स्थल पिथौरागढ़ को खास बनाने का काम करते हैं। प्राकृतिक रूप से यह जिला काफी ज्यादा समृद्ध है। इस जिले में आपको कई सारे मंदिर और प्राचीन खंडर भी मिल जाएंगे। घूमने फिरने और देखने के लिए यहाँ पर काफी सारे स्थल मौजूद हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिथौरागढ़ की सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में, बेस्ट प्लेसेस इन पिथौरागढ़। फर्स्ट, चंडाक। चंडाक पिथौरागढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यह खूबसूरत पहाड़ी सौर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आप हैंग ग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मनु नामक मंदिर और एक मैग्नेसाइट खनन का कारखाना भी है। इन जगहों पर भी आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट मानू मंदिर की। तो चंडाक हिल्स में आप एडवेंचरस एक्टिविटीज तो कर ही सकते हैं, साथ में आध्यात्मिकता का स्पर्श भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय देवता देव मनु को समर्पित प्रसिद्ध मोस्ट मानू मंदिर है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मोस्ट मानू मंदिर अगस्त महीने के दौरान एक भव्य मेले की मेजबानी भी करता है। सेकेंड, पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थान में से एक है। समुद्र तल से 1350 मीटर की दूरी पर स्थित यह तीर्थ स्थल मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। पाताल भुवनेश्वर एक चूना पत्थर की गुफा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का रास्ता एक लंबी और संकरी सुरंग से होकर जाता है। भगवान शिव के अलावा शेषनाग, काल भैरव, गणेश और कई अन्य देवताओं के रूप पाताल भुवनेश्वर में देखे जा सकते हैं। ये माना जाता है कि गुफा 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। थर्ड, थल केदार। थल केदार एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में पहुँचने का मार्ग संकरा है। यह स्थान भी घाटी के कुछ बेहद मनोरम दृश्य प्रदान करता है और हर साल शिवरात्रि के त्योहार के दौरान यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यात्री पिथौरागढ़, नकुलेश्वर मंदिर और अंकोली से पैदल चलकर भी मंदिर पहुँच सकते हैं। फोर्थ, झूलाघाट। झूलाघाट एक गांव है जो पिथौरागढ़ से 36 किलोमीटर की दूरी पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। काली नदी पर बना एक छोटा सस्पेंशन पुल भारत और नेपाल को जोड़ता है। काली नदी के बगल में स्थित महेशानी मंदिर में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट यहां पर काली नदी में राफ्टिंग का आनंद भी ले सकते हैं जो समुद्री तल से 3090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झूलाघाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर तालेश्वर महादेव मंदिर भी दर्शनीय स्थल है।
फिफ्थ डीडी हाट। डीडी हाट एक शांत और बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो पिथौरागढ़ शहर से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1725 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह का नाम कुमाऊनी शब्द दंड से लिया गया है, जिसका मतलब है एक छोटी पहाड़ी। कुमाऊं हिमालय और घने जंगलों से घिरा यह पहाड़ी स्थल अपने मनमोहक वातावरण के बल पर दूर दराज के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित सीराकोट नाम का एक मंदिर भी है। यह एक बेहद खास स्थल है जहाँ आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाने के साथ साथ कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ कुमाऊनी संस्कृति को काफी करीब से देख और जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद धार्मिक स्थलों का दर्शन करना तो सोने में सुहागा वाली बात है। आप सीराकोट मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा आप अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की रोमांचक सैर का भी आनंद उठा सकते हैं। सिक्स्थ, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कपिलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पिथौरागढ़ शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। 1 घंटे की चढ़ाई आपको उस स्थान पर ले जाती है जहां कपिलेश्वर महादेव गुफा के अंदर स्थित है। गुफा के तल पर जो 25 फीट से अधिक गहरा है, आप कपिलेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाने वाले भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं जो प्राकृतिक चट्टान से निर्मित है। प्राचीन गुफा के अंदर जाना एक रोमांचकारी अनुभव है। मंदिर से आप सौर घाटी और बर्फ से ढके हिमालय के मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं, ये दृश्य और भी शानदार होते चले जाते हैं। साथ ही यहाँ से आप ध्वज मंदिर भी देख सकते हैं। 7th, चकोरी। हिमालय के हृदय स्थल में बसा चकोरी विशाल हिमालय की अद्भुत पहाड़ियों और वनस्पतियों से घिरा हुआ है। यहाँ से आप नंदा देवी, नंदा कोट, पंचकुला पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ से 83 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और यह कुमाऊं के उन चुनिंदा स्थानों में आता है जहां आप खूबसूरत हरे भरे बागों के साथ चाय के बागान भी देख सकते हैं। हिमालय की शानदार पहाड़ियों के बीच रिफ्रेशिंग माहौल का आनंद लेने के लिए आप यहां की यात्रा कर सकते हैं। 8th, जौलजीबी। जौलजीबी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो पिथौरागढ़ से 68 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह स्थान गौरी और काली नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष एक मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले में आपको कई तरह की हस्त निर्मित वस्तुएं आसानी से अच्छे दामों पर मिल जाएंगी। जौलजीबी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और अन्य पर्यटक स्थल है जिसे काला पानी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक गर्म पानी का स्रोत है जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। इसके पास ही स्थित व्यास गुफा भी घूमने के लिहाज से अति उत्तम है। 9th, गंगोली हाट। गंगोली हाट भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक छोटा हिमालय शहर है। गंगोली हाट पिथौरागढ़ शहर से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगोली हाट अपने प्राचीन मंदिरों और भूमिगत गुफाओं के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। हाट कालिका, अंबिका देवल, चामुंडा मंदिर, वैष्णवी मंदिर यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। गंगोली हाट में कई सुंदर भूमिगत गुफाएं भी हैं, जैसे पाताल भुवनेश्वर, शैला सवर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा। गंगोली हाट हाट कालिका देवी काली के शक्तिपीठ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाकाली शक्तिपीठ की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने हाट कालिका मंदिर चुना था। यह मंदिर पूरे भारत में, विशेष रूप से भारतीय सेना बलों के बीच काफी प्रसिद्ध है। 10th, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। अस्कोट अभयारण्य पिथौरागढ़ शहर से लगभग 54 किलोमीटर दूर स्थित है और यह समुद्र तल से 5412 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह अभयारण्य 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह सुंदर पर्यटक स्थल वन्य जीव उत्साही और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आप हिम तेंदुए, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी हिरण, फीसेन देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से हिमालय के दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ के कुछ बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल जहाँ पर आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। इन पर्यटन स्थलों के अलावा पिथौरागढ़ के कौन से पर्यटन स्थल आपको पसंद हैं?
या आप वहां पर घूमना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।